हम निकले हैं घर से थोड़ी दूर में और आपको दिखाते हैं मेरा स्कूल कहाँ पे था। सबसे फर्स्ट स्कूल गांव के थोड़े से घर से थोड़ी से दूर में ही है, वो आपको लेके चलते हैं वहाँ पे। कौन सा स्कूल जाते थे पहले वो भी दिखाएंगे। दो स्कूल है यहाँ पे और एक स्कूल थोड़ा सा दूर में उधर सिटी के साइड में है, वो थोड़ा सा दूर है, उधर तो नहीं जा पाएंगे। जो सामने है पास में वो पहले दिखा देते हैं आपको। तो चलिए चलते हैं मेरा स्कूल देखने के लिए। गवर्नमेंट स्कूल है और एक प्राइवेट स्कूल था आगे, क्रिश्चियन स्कूल, तो उस स्कूल पे लेके चलते हैं आप लोगों को। चलिए मेरे साथ बने रहिए आज के ब्लॉग में। बहुत धूप है अभी सवेरे सवेरे 9:30 बजे, इतना ज्यादा धूप है कि क्या ही कहे। और यहाँ पे अभी देख सकते हैं, यहाँ पे एक बड़ा सा ग्राउंड भी है, बड़ा सा ग्राउंड है और बगल में एक चर्च बनाया हुआ है। जब हम लोग स्कूल आया करते थे उस टाइम ये चर्च नहीं था, ये चर्च नया बना हुआ है। और इसके आगे में एक मेरा स्कूल है, पहले पुराना स्कूल जो कि हम एकदम छोटे में आया करते थे। उसके बाद हम लोग यहाँ से इंग्लिश मीडियम चले गए थे। कि ये रहा चर्च, फिर इधर से चर्च के थोड़ी दूर चलेंगे, आप लोगों को दिख रहा होगा, यही है वो स्कूल जहाँ पे हम आया करते थे। अब तो पहले के टीचर लोग भी नहीं हैं, अब टीचर लोग भी चेंज हो गए होंगे पहले के। जब हम इतने बड़े हो गए तो वो लोग बूढ़े हो गए होंगे। अंदर जाके तो दिखा नहीं सकते हैं। और यहीं पे थोड़ी दूर में जो मेरा गवर्नमेंट स्कूल था उससे थोड़ी दूर आगे में, पहले इंग्लिश मीडियम स्कूल हुआ नहीं करता था यहाँ पे, और यहाँ पे थोड़ी दूर में इंग्लिश मीडियम स्कूल भी चालू हो गया, जहाँ पे हम लोग के बच्चे लोग भी आते हैं, निसी और एलिस, जो आप लोगों को पहले वीडियो में दिखा होगा। देखिए ये वाला स्कूल है, अभी सारे बच्चे स्कूल में होंगे। ड्रोन अभी मेरे पास है नहीं तो आपको ड्रोन का फुटेज दिखाते ऊपर से कैसा लोकेशन है। बहुत प्यारा जगह है यहाँ पे। हमारे बच्चों का स्कूल भी यहीं बगल में ही है, अभी वो लोग स्कूल में हैं और मैं अभी थोड़ा सा आगे आया हूँ। और यहाँ पे देख रहे होंगे थोड़ा सा पठारी क्षेत्र है, थोड़ा सा हल्का सा छोटा सा पहाड़ है यहाँ पे। और आप लोगों को और थोड़ा सा पीछे लेके चलेंगे, वहाँ पर भी थोड़ा सा पहाड़ है, थोड़ा सा ऊँचा जगह है यहाँ पे। यहाँ से दूर दूर का व्यू दिखता है ऐसे। ज्यादा हम यहाँ रहे नहीं है, इधर ज्यादा घूमे नहीं है, लेकिन उस तरफ पहाड़ तरफ कभी गए नहीं है। दूर है यहाँ से पहाड़, वो पीछे दिख रहा होगा आप लोगों को। तो और थोड़ा सा आगे लेके चलते हैं आप लोगों को, और कुछ कुछ देखने का जगह है यहाँ पे। और ये आप देख रहे हैं यहाँ पर से, यहाँ पे बगल में स्कूल है, बच्चों का स्कूल। और वो देखिए थोड़ा सा हल्का सा पहाड़ दिख रहा है वहाँ पे, छोटा सा पहाड़ है आगे में देखेंगे तो ये रहा। सामने पास जाके तो उतना पता नहीं चलेगा इसलिए दूर से दिखा दे रहे हैं, पेड़ वगैरह इसलिए पता नहीं चल रहा है। वैसे छोटा सा, एकदम छोटा सा पहाड़ है बाकी। और यहाँ पे यही जगह है, इतना सा प्यारा सा। और हम आप लोगों को और एक स्कूल दिखाने जा रहे हैं जो मेरा, मैंने वहाँ पे 2 या 3 क्लास तक पढ़ाई किया था, उसके बाद वहाँ छोड़ दिया था, फिर वहाँ से मैं रांची चला गया था। झाड़ी झाड़ी होते हुए निकलना पड़ रहा है। ये अभी हम यहाँ पे छाया पे बैठे हुए थे थोड़ी देर। और इस तरफ का व्यू देखिए, एक पेड़ है, एक खजूर का पेड़ दिख रहा होगा, इधर पहाड़ दिख रहा होगा आपको, ऐसा है। उधर मैं कभी गया नहीं उधर पहाड़ की तरफ, क्योंकि वैसा मौका मिला ही नहीं। और अभी मैं जैसे निकल रहा था यहाँ पर देखा कि बच्चों का लंच टाइम हो गया है। और ये देखे बच्चे लोग खेल रहे हैं यहाँ पे, कुछ बच्चे लोग लंच करके गेम क्रिकेट खेल रहे हैं यहाँ पे। कुछ लड़की बच्चियाँ यहाँ पे लंच कर रही है बैठ के छाए में, और मेरे बच्चे लोग पता नहीं कहाँ पे बैठे हैं, मालूम नहीं। ये कितना प्यारा सा स्कूल है यहाँ पे, हरा भरा और बीच में छोटा सा स्कूल।
ड्रोन रहता तो अच्छा से कैप्चर करके दिखाते आप लोगों को। अरे हमारे बच्चे कहाँ बैठे हैं मालूम नहीं। अब और थोड़ा दूर में है मेरा स्कूल, 1 किलोमीटर दूर पड़ेगा, थोड़ा जाके जल्दी से आ जाते हैं। ये अभी हम मेन रोड पे निकल गए हैं, इस तरफ से हमारा घर आता है और इस तरफ हम आगे चलेंगे स्कूल के लिए। ये देखिए बगल में तालाब भी है और एक छोटा सा पहाड़ दिखाएंगे आप लोगों को आगे में। तो ये जो आप आगे देख रहे हो राइट साइड में, पेड़ के राइट साइड में, वही मेरा स्कूल था। वो मिडिल स्कूल था, वैसे हाई स्कूल नहीं था, मिडिल स्कूल। जाके देखते हैं अभी स्कूल का हालत कैसा है। वैसे तो जो पुराना स्कूल था वो पुराना स्कूल घर को वो तोड़ दिया गया है, अब नया स्कूल घर बनाया गया वहाँ पे। ये देखिए राइट साइड में ऐसे इधर ग्राउंड है, देखिए यहाँ पे स्कूल है। स्कूल को पहले का स्कूल को तोड़ दिया गया है, पहले कुछ अलग ही था यहाँ पे। पहले गाड़ी खड़ा करते हैं उसके बाद आपको दिखाते हैं। ये देखिए यहाँ पे स्कूल हुआ करता था इस तरह से, और इस तरफ देख रहे हैं आपको वो है ये वाला जो बिल्डिंग, मतलब ढलाई वाला जो रूम दिख रहा है वो था ऑफिस, और इधर बच्चों का पार्किंग एरिया है जिस साइकिल पर बच्चे स्कूल आते हैं। पहले स्कूल हुआ करता था वहाँ पर, अभी मिड डे मील के लिए खाना बनाया जाता है बच्चों के लिए। ये देखिए बच्चे यहाँ पे लंच टाइम, अभी लंच टाइम हुआ है, बच्चे यहाँ पे लंच भी कर रहे हैं। कुछ बच्चे लोग देख रहे हैं मेरे को, पता नहीं पहचान रहे होंगे आसपास गांव के बच्चे। ये देखिए इसके पीछे एक नया स्कूल बना है, वो अभी नया स्कूल है, ये पुराना स्कूल है जो मिट्टी वाला दिख रहा होगा आप लोगों को। ये ऐसे लंबा करके हुआ करता था, ऐसा है। तो ये रहा मेरा बचपन का स्कूल, जो कि इसमें मैं 2 या 3 क्लास तक पढ़ा था, ठीक से याद नहीं है। लास्ट 2 क्लास तक मुझे याद है, उससे ज़्यादा मुझे याद नहीं है। बाकी मेरा भाई बिमल आगे और एक स्कूल था वहाँ पे पढ़ाई करता था। आगे स्कूल नहीं जाएंगे क्योंकि तो वो थोड़ा सा और दूर है, फिर काफ़ी टाइम लग जाएगा उनको। और यहाँ पे अभी बच्चों को मिड डे मील के लिए खाना मिल रहा है लंच के टाइम में, स्कूल से ही मिलता है इन लोगों को, इन सारे बच्चों को। सारे बच्चे अभी लाइन पर लगे हुए हैं खाना खाने के लिए, ये देख रहे हैं। लड़कियां देख रही हैं, बोल रही है कि वीडियो बना रहा है। ये लड़के क्या करते हैं बता रहा हूँ। लड़के रोल दे रहे हैं, ये देखें यहाँ पर लड़के क्या करते हैं, खाना खा के ऊपर में छत बीच में देख रहे हैं, वहाँ ऊपर में अपना प्लेट रख के चले जाते हैं घर, वापस दोबारा लेकर नहीं आते हैं, क्योंकि कौन कौन डेली लेकर जाएगा, लेकर आएगा करके। और वो लोग जान रहे हैं कि ये लड़का आया ब्लॉग बना रहा है, हेलो गाइज कर रहे हैं वो लोग। तो चलिए चलते हैं, आज का इतना ही था, ये दिखाना था आप लोगों को कि मेरा स्कूल है कहाँ पर। तो हम चलते हैं अपने रूम की ओर, और फिर जाने का तैयारी भी करना है, क्या क्या कपड़ा वगैरह पैकिंग भी करना है, और बहुत लंबा सफ़र है अभी मेरा नागपुर जाने के लिए। और एक छोटा सा पहाड़ था जो मैं जाते वक्त दिखाया नहीं, अभी आते वक्त दिखा रहा हूँ। और ये देखिए ऊपर में एक छोटा सा क्रूस है, बड़ा सा ही है लेकिन दूर से छोटा नज़र आ रहा है।